टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुशांत सिंह केस की जांच मुंबई पुलिस नहीं बल्कि अब सीबीआई ही जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को देकर केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। यही नहीं बल्कि बीजेपी ने मांग करना शुरू कर दी है परमवीर सिंह जो कमिश्नर है मुंबई पुलिस की, वो इस्तीफा दें। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच खुद करना चाहती थी, वही रिया इस मामले को पटना से केस मुंबई ट्रांसफर कराना चाहती थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत सिंह के परिवार वालों को उन्हें अब यकीन हो गया है कि सीबीआई जांच में खुलासा होगा और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे काफी खुश हैं फैसले के बाद। क्या कहा है पहले सुनिए। मैं बहुत खुश हूं, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है, ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से सही काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। बिकॉज द वे मुंबई पुलिस वॉज बिहेविंग वॉज टोटली इलीगल, वॉज टोटली अनइथिकल, वॉज टोटली अनप्रोफेशनल। वन आईपीएस अफसर इज गोइंग टू मुंबई और विद प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड ही इज बीइंग क्वारंटीन एट 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। आपको बता दूं, सुशांत सिंह की मौत के करीब 2 महीने हो गए हैं, तब से ही सुशांत के परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिहार में दर्ज FIR को सही ठहराया है और इसके अलावा मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। इधर मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा है, ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद ही हम फैसला लेंगे और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है, वी आर अवेटिंग द ऑर्डर, वी हैव आल्सो स्पोकन टू। हम आपको बता दें, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने सुशांत सिंह मौत मामले पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे और उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई है। काफी लोग इस केस की जांच में परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोकना होगा, इसलिए पूरे मामले को निष्पक्ष जांच
करना समय पर जरूरी होगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।